दोस्तों आज हम बिटकॉइन के बारे में जानेंगे और समझेंगे बिटकॉइन क्या है और कैसे यह काम करता है। दोस्तों पूरी वीडियो को मैंने चार पार्ट में डिवाइड किया है ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो। तो पहले पार्ट में हम बात करेंगे बिटकॉइन क्या है, सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे इसे क्यों इन्वेंट किया गया है, और थर्ड पार्ट में हम जानेंगे यह कैसे काम करता है, और फिर हम बात करेंगे क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्वेस्टोनॉमी। इन्वेस्टिंग को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना हमारे चैनल का मोटो है। अगर आप इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड है और इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऐसे ही इन्वेस्टिंग से जुड़ा हुआ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं बिटकॉइन क्या होता है। दोस्तों बिटकॉइन का हम नॉर्मल करेंसी की तरह छू नहीं सकते क्योंकि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। बिटकॉइन जनवरी 2009 में रिलीज हुई थी, जिसे सतोशी नाकामोटो नाम के शख्स ने इन्वेंट किया है। पर दोस्तों अब सवाल आता है इसे क्यों इन्वेंट किया गया है। तो दोस्तों बिटकॉइन इन्वेंट करने के पीछे सतोशी नाकामोटो का मेन दो रीज़न था। पहला, ट्रांजैक्शन करते वक्त मीडिएटर को हटाना। जब भी हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तब बैंक मीडिएटर का काम करता है। बैंक चेक करती है जितना पैसा आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हो उतना पैसा आपके अकाउंट में है भी या नहीं, और कुछ डिटेल्स को चेक करके बैंक ट्रांजैक्शन को अप्रूव करके पूरा करती है। वही बिटकॉइन दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जो बिना किसी थर्ड पार्टी के काम करता है। बिटकॉइन के ऊपर किसी अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी का कोई नियंत्रण नहीं है। मतलब जैसे US डॉलर को US का सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है, इंडियन रूपी को RBI रेगुलेट करता है, वैसे बिटकॉइन को किसी एजेंसी के द्वारा नियंत्रण किया नहीं जाता है। बिटकॉइन पीयर टू पीयर नेटवर्क पर काम करता है। मतलब बिटकॉइन ट्रांजैक्शन आपके और जिनके साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उनके बीच होता है। और दूसरा है ट्रांजैक्शन चार्ज को कम करना। जब भी आप क्रेडिट कार्ड के जरिए बिल पेमेंट करते हो तब बैंक आपसे 1 या 2% का चार्ज लेता है। वही अगर आप विदेश में पैसे भेजते हो तो बैंक आपसे एक अच्छी खासी फीस लेता है। वही बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम होता है। चलिए तो अब बात करते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट यानी बिटकॉइन कैसे काम करता है इसके बारे में। दोस्तों बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ब्लॉकचेन मतलब एक पब्लिक लेजर होता है। जैसे कोई बिजनेसमैन अपना सारा ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब अपना खाता बही में रखता है, वैसे ही बिटकॉइन का जितनी भी ट्रांजैक्शन होता है वो ब्लॉकचेन पे रहता है। बिटकॉइन के ब्लॉकचेन में आपको सबसे पहले ट्रांजैक्शन से लेकर अभी रिसेंटली जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो सारे देखने मिलते हैं। अपना खाता बही में न्यू ट्रांजैक्शन ऐड करने का काम वो बिजनेसमैन खुद करता है या उसके एम्प्लॉय करते हैं। वही ब्लॉकचेन में न्यू ट्रांजैक्शन ऐड करने का काम माइनर्स करते हैं। साथ ही साथ वो ब्लॉकचेन या पब्लिक लेजर को मेंटेन भी करते हैं, जिसके बदले में उन्हें रिवार्ड्स में बिटकॉइन और ट्रांजैक्शन फीस मिलते हैं। जो बिटकॉइन माइनर्स को रिवार्ड्स में मिलते हैं वो सिस्टम में पहली बार जनरेट हुए हैं। माइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर लगती है और स्पेशल हार्डवेयर्स भी लगते हैं। जैसे हम डॉक्यूमेंट्स को फाइल में रखते हैं वैसे ही बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को ब्लॉक्स में रखा जाता है। जब हमारे फाइल्स डॉक्यूमेंट से भर जाता है तब हम डॉक्यूमेंट्स को किसी और फाइल में रखते हैं, वैसे ही बिटकॉइन को सारे ट्रांजैक्शन को आप एक ब्लॉक में नहीं रख सकते। जब कोई ब्लॉक ट्रांजैक्शन से भर जाता है तब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को नए ब्लॉक्स में रखा जाता है। इस तरह ब्लॉक्स की एक चेन बन जाता है, इसीलिए इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। मतलब ये खाता वही है जिसमें आप आज तक हुए सारे ट्रांजैक्शन को देख सकते हो। अगर आपके पास 2 बिटकॉइन है तो वो 2 बिटकॉइन कहाँ से आए, और जिन्होंने आपके दिए हैं उनके पास वो 2 बिटकॉइन कहाँ से आए। इस तरह जब से वो बिटकॉइन सिस्टम में आए हैं तब से सारे ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री अब पब्लिक लेजर में होती है। अब सारे ट्रांजैक्शन को ब्लॉक्स में डालने के बाद माइनर्स को ब्लॉक को सील करना होता है ताकि कोई भी उसे मैनिपुलेट ना कर सके। ब्लॉक्स को सील करने के बाद वो ब्लॉक्स ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है, जहां पर आप सारे यूजर्स उन ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं। ब्लॉकचेन क्रिप्टोग्राफी ये सारे टेक्नोलॉजीज बिटकॉइन को सिक्योर रखने के लिए एक अहम भूमिका निभाती है। चलिए तो अब बात करते हैं क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों ये टॉपिक एक डेडिकेटेड वीडियो डिजर्व करती है, पर फिर भी आपके लिए मैं इसे थोड़ी आसान वे में समझा देता हूँ। पर अगर आपको इस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं क्या हमें बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों जहाँ दुनिया के कुछ लोग इसे यूजलेस मान रहे हैं, जैसे वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, नसीब तालेब, जो कहते हैं इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, वही कुछ लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे इलॉन मस्क, रिचर्ड ब्रांसन, नवल रविकांत, जो कहते हैं क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर होने वाली है। तो हम ये गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि बिटकॉइन की प्राइस इन फ्यूचर भी इंक्रीज होगी। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि ये कैसे काम करती है पर फिर भी आपको इन्वेस्ट करना है ताकि फ्यूचर में अगर ये और ज़्यादा ग्रो करे तो आपको रिग्रेट ना करना पड़े, तो आपका पोर्टफोलियो का 1-2% इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब उतना ही पैसा इसमें इन्वेस्ट करे जितना आप लूज़ कर सकते हो, ताकि फ्यूचर में अगर इसका प्राइस बढ़ता है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, और अगर लॉस भी होता है
तो आपका फाइनेंशियल कंडीशन पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आप उसमें से 0.5% बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हो ये सोच के कि ये जल्दी ग्रो होगा, तो आप रिस्क ले रहे हो। इसीलिए आप उतना ही इन्वेस्ट करो जितना आप लूज कर सकते हो। 2018 में RBI ने बिटकॉइन को कम्प्लीटली बैन कर दिया था, लेकिन अभी इन्होंने ये बैन लिफ्ट कर दिया है, मतलब अभी आप इंडिया में बिटकॉइन खरीद सकते हो। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने जाना बिटकॉइन क्या है, इसे क्यों इन्वेंट किया गया है, ये कैसे काम करता है और क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें आपको उन दोस्तों को जो कंपाउंडिंग के पावर को समझते हैं। दोस्तों, मैं आगे भी स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ वीडियो लाता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही इन्वेस्टिंग से जुड़ा हुआ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू।